आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी किस प्रकार से आप अपने SBI म्यूचुअल फंड के SIP को स्टॉप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि ये SBI म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें किस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप अपने अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसे टाइम पे अपने SIP को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल फोन के SBI म्यूचुअल फंड वाले ऐप में जाना है और आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा। आप जैसे ही देखते हैं यहाँ पे 3 लाइन दी हुई है, उस पे आप जाएंगे और यहाँ पे होम, माई पोर्टफोलियो, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से आपको जाना है ट्रांजैक्शंस वाले में और वहाँ पे दिया होगा ट्रैक ट्रांजैक्शंस। ट्रैक ट्रांजैक्शन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल दी रहेगी, आपकी जितनी SIP ली हुई है, जितना आपने रिडीम किया हुआ था, ये सारी डिटेल इसमें दी रहेंगी आपके पूरे ट्रांजैक्शन में। अब सपोज़ कि आप चाहते हैं कि मैंने रिसेंटली जो SBI कॉन्ट्रा फंड जो लिया था वो अगर मैं स्टॉप करना चाहती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप SIP वाला ऑप्शन दिया है, लेकिन उसको क्लिक करने से पहले यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि डिटेल्स दी हुई है SIP कॉन्ट्रा फंड की, कब आपने लिया था, किस डेट पे लिया था, कितने रुपए का था SIP, ये सारी डिटेल्स इसमें दी रहेंगी। इसके अलावा अगर आप स्टॉप ना करके अगर पॉज SIP करते हैं तो वो भी बेटर रहेगा। आप कुछ दिन के लिए इस SIP को स्टॉप कर लिए हैं और उसके बाद जो है अगेन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पॉज SIP का। आप पॉज भी करके रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप इसे स्टॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टॉप SIP में जाते हैं। जैसे ही तो आपको 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछेगा कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू कैंसिल दिस ट्रांजेक्शन। अगर आप यस करते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा और ये जो स्टॉप SIP है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी इसे नहीं कर रही हूँ, तो अगर आप करना चाहती हैं तो स्टॉप SIP में जाके यस जैसे ही करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।